पड़ेगा हिंदू धर्म की को भी। मतलब एक भगोड़ी औरत जो अपने पति के खिलाफ जा रही है, जो एक मतलब अपने देश के साथ विश्वासघात कर रही है, उसको आप लोग मतलब इतना सम्मान दे रहे हो, ये बात तो सच में है। मतलब ऐसी औरतें जो पति के होते हुए कुकर्म करती हैं, और मतलब पति के होते हुए 10 आदमियों के साथ रिलेशन बनाती हैं, वो औरतों की इज्जत है। आजकल क्या जमाना आ गया, सही बात है। वही पहले तो पहले से इस तरह की चीज़ें जो हमारे भारत देश में हो रही हैं। और एपी जी, आपके पास इतना फालतू टाइम रहता है कि आप मतलब उसे गिफ्ट कर रहे हैं, इतने ही गिफ्ट आप गरीब बच्चों के लिए कर लेते, और भी गरीब बहनें हैं हमारे भारत देश में उनके लिए कर लेते आप। अरे हमारे मुसलमान भाइयों को तो सीख देनी चाहिए कि जो अपने ही कौम की बेटियों के हक के लिए आप लोग नहीं लड़ते, हमारी ही कौम की लड़कियां इसीलिए तो हिंदू धर्म में जा रही हैं, क्योंकि अगर उनको हमारी कौम में, अगर वो क्या कहती है, सीमा हैदर कहती है कि मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता था, मुझे मतलब रिस्पेक्ट नहीं देता था, मारता पीटता था, और वैसे भी वो जाके सऊदीया में दुबई में काम कर रहा था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मतलब इस्लाम धर्म क्या है? इस्लाम धर्म में कोई वैल्यू नहीं है क्या लड़कियों की, जो इस तरीके से वो बयान दे रही हो, इंडिया में आके खिलाफत बोल रही है? तो ये चीज़ें हम लोगों को खुद से सोचना होगा कि मतलब कि हमें अपने आने वाले फ्यूचर में क्या करना है, क्या नहीं, क्या सोचना है।